हेलो एवरीवन, मैं सोनिका। आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्मार्ट कैसे बने। इसके लिए मैं आपको पांच ऐसे साइकोलॉजिकल टिप्स बताने वाली हूँ जिनका अगर आप यूज़ करते हो तो आप बहुत आसानी से स्मार्ट दिख सकते हो, क्योंकि स्मार्ट बनना हर लड़की की ख्वाहिश होती है, ठीक है। ताकि वो स्मार्ट दिखें, हैंडसम दिखें, जिसकी वजह से लड़कियों का अटेंशन उनको मिल सके, लड़कियाँ उनको नोटिस करें। तो आज की इस वीडियो में आपको ऐसे पाँच टिप्स बताने वाली हूँ जिन्हें आप अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो आप आसानी से अधिक मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट बन सकते हो, हैंडसम देख सकते हो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है इसे ज़रूर दबा लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, तो दोस्तों अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हो तो उसके लिए ना अपने आप को रेडी करने के लिए स्टार्टिंग जो हमेशा है वो बॉटम से करनी चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि हमेशा ही जब भी आप किसी इवेंट में जाते हो, किसी पार्टी में जाते हो या फिर किसी सोशली फंक्शन में जाते हो, तो होता क्या है कि आप अपने फेस को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते हो, आपका ध्यान सारा का सारा फेस पे होता है, ठीक है। आप हमेशा अपने फेस से स्टार्ट करते हो, बट यहाँ पे क्या है, आपको स्मार्ट दिखना है तो उसके लिए ना आपको बॉटम से स्टार्ट करना होगा, मतलब कि अपने पैरों से स्टार्टिंग करनी होगी, पैरों को अट्रैक्टिव बनाना होगा। क्योंकि साइकोलॉजी ये कहती है कि जब भी कोई इंसान आपको देखता है, ठीक है, आपकी स्मार्टनेस को देखने के लिए, वो आपके पैरों को सबसे पहले नोटिस करता है कि आपके पैर कैसे हैं या फिर आपके शूज़ कैसे हैं, आपके शूज़ नीट एंड क्लीन हैं, ठीक है, डस्ट तो नहीं लगी। क्योंकि कोई भी इंसान आपको जज करने के लिए आपके बॉटम को नोटिस करता है, ठीक है, आपके पैरों को नोटिस करता है, ना कि आपके फेस को। दूसरी जो चीज़ है वो है आपको अपने कपड़ों पर ध्यान देना है, ठीक है, कि आपको कपड़े कैसे पहनने चाहिए, फिटिंग के पहनने चाहिए या फिर आपको जो कलर आप पे सूट कर रहा है, ठीक है, आप पे मैच कर रहा है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कलर कॉम्बिनेशन आप पे सेट होना चाहिए, आप पे जचना चाहिए, वैसा आप पहनो। ऐसा नहीं है कि आपका कलर थोड़ा सा डार्क है बट आप उसी कलर के डार्क कपड़े पहन रहे हो तो वो आपकी बॉडी पे अनमैच लगेगा, तो इससे आप स्मार्ट नहीं दिख सकते हो। दूसरी चीज़ है, आपके कपड़े जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए, फिनिशिंग होनी चाहिए, ठीक है। वो पहनो जो आपकी बॉडी पे अच्छा लगता हो, बॉडी पे फिट आता हो, ठीक है। ऐसा नहीं है आप ढीले ढाले कपड़े पहन के कहीं पार्टी में जा रहे हो, तो अगर आप अपने कपड़ों का भी ध्यान रखते हो तो भी आप आसानी से स्मार्ट देख सकते हो। तीसरी जो चीज़ है वो है आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, हर चीज़ की आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब नॉलेज आप अपने न्यूज़पेपर के जरिए गेन कर सकते हो या फिर नेट के जरिए गेन कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, ठीक है, कि आपके आसपास क्या चल रहा है, देश दुनिया में क्या चल रहा है या फिर आपके देश में क्या चल रहा है, इस चीज़ की आपको हर तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको लोगों से बात करना है, क्योंकि जब आपको नॉलेज होगी तो भी आप लोगों के नज़रों में या फिर औरों की नज़रों में स्मार्ट देख सकते हो। चौथी जो चीज़ें आप कर सकते हो वो है, आप किसी एक्सेसरीज को चूज़ कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि ब्रेसलेट हो गया या वॉच होगी, ठीक है। ये चीज़ें आपकी बॉडी को, आपकी पर्सनैलिटी को और भी अट्रैक्टिव बनाती हैं, क्योंकि सपोज़ करो अगर आप वॉच डालते हो तो कोई इंसान जब आपको देखता है तो उसे ये लगता है कि आप टाइम के पंक्चुअल हो, ठीक है, आपको टाइम की कदर है, हर काम टाइम से करना आप पसंद करते हो, तो इससे भी आप को लोग जो है स्मार्ट समझते हैं, ठीक है, इंटेलिजेंट समझते हैं। ये चीज़ कर सकते हो। इसके अलावा जो है आपको अपने आप में कॉन्फिडेंट लाना है, कॉन्फिडेंट बहुत ज़रूरी होता है। सपोज़ करो आप पूरी तरह से तैयार हो, फिट हो, बिल्कुल अच्छे से आपने कपड़े पहन रखे हैं, आपको ड्रेसिंग सेंस भी है, इंटेलिजेंट भी हो, बट अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है, लोगों से बात करने में आप कंफर्टेबल फील नहीं करते, अनफिट महसूस करते हो, तो लोग आपको स्मार्ट नहीं समझेंगे, ठीक है। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है, इन चीज़ों को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आप किसी भी इंसान के सामने स्मार्ट दिख सकते हो, हैंडसम दिख सकते हो, ठीक है। लोगों का अट्रैक्शन आपकी तरफ होगा, लोग आपको नोटिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।